तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास होगा यार बहुत ही ज़्यादा कम टाइम, और इस कम टाइम में हमने शूट भी करना है और वर्कआउट भी लगाना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी लेग्स का वर्कआउट अच्छे तरीके से जो एक्सरसाइजेज हैं आपको बता सकूँ और थोड़ी सी बातें भी कर सकूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज हम ज़्यादा हैवी मूवमेंट नहीं लगाएंगे भाई, हमारी नई मशीन पर हम आइसोलेट मूवमेंट ही लगाएंगे, लेग एक्सटेंशन लगाएंगे। टाइम है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लेग एक्सटेंशन, और इसके हम 4 सेट करेंगे और धीरे धीरे वेट को बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और ये मशीन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई ये हमारा फाइनल सेट्स में से एक सेट होगा, और देखिए कितनी हाई इंटेंसिटी से ये लगता है। कई लोग गलती क्या करते हैं, वो हाई इंटेंसिटी को पूरी अच्छे तरीके से लगाते नहीं है। आपको आपका पोटेंशियल पता होना चाहिए, पोटेंशियल से भी आगे जाना है। तो चलिए शुरू करें। तो आप वेट देख रहे हैं, पूरा मैक्सिमम 80 किलो पे सेट कर दिया है। तो भाई पहले मैं सोचता था कि यार बंदे इतनी ज़्यादा हैवी कैसे लगा लेते हैं, लेकिन मशीन टू मशीन का फ़र्क होता है। जो हमारी पहली मशीन थी आपने देखा होगा वीडियोस में, पीछे जाकर अगर आप देखेंगे तो वही मशीन होगी। तो जो हमारी ये वाली सिंगल एक्सटेंशन थी जी, ये वाली, तो इसमें भाई 60 किलो भी इतना ज़्यादा पेनफुल लगता था, लेकिन अभी मैंने इस पर 60 किलो के 15 रैप लगा तो जोर इसमें भी है, लेकिन इसमें उतना जोर नहीं लगा क्योंकि ये सिंगल लेग वाली है, मतलब सिंगल पैड वाली है, तो इसमें ज़ोर आराम से लगता है और पूरा प्रेशर आता है। तो मशीन टू मशीन का फ़र्क होता है भाई। तो अभी हम लगाएंगे हमारा आखिरी सेट, तो चलिए शुरू करते। ओह तो भाई लगा लिया हमने हमारा आखिरी सेट और मज़ा आया, इस नई मशीन पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी हम लगाएंगे हमारे लंजेस, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वैसे ही बहुत कम है। तो भाई लेग्स चाहे कंपाउंड लगा लो चाहे आइसोलेट करके लगा लो, लेकिन आपको पता है हाल क्या ही हो जाता है भाई। मतलब लेग इस लेग डे इस बिग देन एवरी इमोशन ऑफ द वर्ल्ड। तो लेग डे यार हर एक इमोशन से बड़ा डे होता है। आपको इस दिन हर इमोशन अपना छोटा लगने लगता है, इतना डिफ़िकल्ट होता है। हर कोई तभी नहीं कर पाता भाई, तभी नहीं हर कोई कर पाता। तो चलिए अगली एक्सरसाइज लगाते हैं, हिप थ्रस्टर। तो भाई सेटिंग कर ली है हमने टेबल की, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मैं पानी पानी हो गया, लेग डे क्या कर लिया, मैं पानी पानी हो गया। हिप थ्रस्टर लगाने के बाद मतलब अलग सी ही फील आती है। तो इसके बाद हम लगाएंगे, हमने सुमो लगानी थी लेकिन टाइम कम है, और इसके लिए हम हमारी नई मशीन का ही यूज़ करेंगे, इसको हैमस्ट्रिंग वाली पोजीशन में बनाकर। और बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई ये मशीन लगती है और बहुत मज़ा आता है। तो हम मज़े लेंगे और लेग डे लगाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हमने कर लिया है सेट, लेग्स को रख लिया है पोजीशन पे और पैड को कर दिया है लॉक।
60 किलो का ये सेट, उम्मीद नहीं थी कि इतने रैप लग जाएंगे। आप भी आएं, कभी हैमस्ट्रिंग कर लगाएं, देखें कितना मज़ा आता है। बॉडी ऐसे नहीं बनती भाई, डिसिप्लिन चाहिए होता है। हो तो भाई टाइम देख रहे हैं, आधे घंटे में 4 एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट कर ली और ये हमारी आखिरी एक्सरसाइज होगी। लेग प्रेस के ऊपर हम काफ्स लगाएंगे। जी हाँ, लेग प्रेस के ऊपर हम 3-sided काफ लगाएंगे और लेग्स का वर्कआउट ख़त्म करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ यार हमारा लेग डे होता है ख़त्म, और बहुत ही मुश्किल था मतलब। तो इसके साथ हम लगाते होते हैं हमारे एब्स, लेकिन एब्स लगाने का भी टाइम है नहीं, क्योंकि भाई जिम को ओपन भी करना है और सारी यू नो सेटलमेंट जो ऑन करना है अपना वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सब कंप्लीट करके फ्रेश होके। और एब्स मैं लगाऊंगा शाम को, लेकिन अगर आप ये वर्कआउट देख रहे हैं तो लेग्स के बाद अपने बाइसेप या एब्स दोनों में से कोई भी एक चीज़ ज़रूर ऐड करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेता है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। ये एक तरह का वर्कआउट ही था और होता हूँ मैं तैयार। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो भाई ये सीन तो कभी मिस ना करें जब आप लेग डे के बाद स्टेयर्स को उतरते हो, और मज़ा आता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।